Hello everyone, welcome Janik Education. I will explain in probability theory in GATE Engineering Mathematics, okay? So I will explain in probability. तो यहाँ देखते हैं कि probability जो है वो GATE में क्या score weightages करती है, ES में क्या रहता है और किस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी समझना है, तो वो चीजें हम थोड़ा बेसिक देखते हैं क्योंकि हम लोग सिक्स्थ और सेवेंथ क्लास से प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए आ जाते हैं, राइट? तो यहां देखिए ध्यान से, गेट में अराउंड 2 से 3 मार्क्स एंड आईएस में 5 to 10 मार्क्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये तो आना ही है आपका। इसके अलावा जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ईएस में कन्वेंशनल में भी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो लोग सिलेबस को रीड करें या जैनिक एजुकेशन की साइट पे जाके वहां पे देख सकते हैं आप चाहें सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल के कन्वेंशनल पेपर में भी मैथ्स है, इसलिए वहां पे भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और सब्जेक्टिव वे में पढ़ना है, राइट? यहां तो ऑब्जेक्टिव चलेगा, यहां पर सब्जेक्टिव। प्रोबेबिलिटी एप्टीट्यूड हो, इसरो हो, पेटेंट ऑफिसर हो, ONGC हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, एनी टाइप, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो हमेशा उस एग्जाम में कुछ नहीं तो कुछ अगर मैथमेटिक्स में पूछ रहा है तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी जरूर पूछेगा। क्लियर है इतना बात? तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं जैनिक एजुकेशन पे, वो चीज भी आज मैं प्लान यहां पर बताने वाला हूं आपको, और प्रोबेबिलिटी के बेसिक थ्योरीज भी यहां डेवलप करूंगा मैं, और दूसरी बात आपको क्या क्या जैनिक एजुकेशन पे प्रोबेबिलिटी में आने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो आप पहले समझिए कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग में देखें गेट के हिसाब से, तो बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट इज अ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, राइट, जो हम लोग 12th 11th में पढ़ के आते हैं। मैक्सिमम कहां तक रहेगा ये आपका बेस थ्योरम, राइट? तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो तो आपको पढ़ना ही है, ये आपके एप्टीट्यूड में भी चली जाती है। ये सारा हम जैनिक एजुकेशन पे समझाने वाले हैं, पूरा फुल एकदम डेफिनेशन, कैसे चीजें क्वाइन होती हैं, कैसे चीजें बनती हैं, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे आपका है रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जैनिक की तरफ से आपको क्रैश कोर्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत टफ है उसको अच्छे ढंग से, जिसके आपको कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, नॉर्मल करेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, और हमको करना है यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो मेजर ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस तो बेसिकली देखेंगे, और फिर जब डिटेल्ड कोर्स हम लोग लाने वाले हैं उसमें हम प्रोबेबिलिटी का फुल सारे डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग, सारा चीजें देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो सिलेबस में जो ये चीजें हैं इनसे सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है वो यही टॉपिक है कि यहां पर बेसिक फंडामेंटल और ये रैंडम वेरिएबल और नॉर्मल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इंडिया में फियर है। लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को बहुत लास्ट में बचा के रखते हैं कि हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज पे ध्यान देना है आपको कि आप जो ये प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हम कर लें उसको सॉल्व। हम बाकायदा प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करें, उसको रीड करें, उसके बारे में प्लान आउट करें, इसके बाद ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, आपको सीखने का तरीका एक स्टेप बाय स्टेप जानना है आपको, समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है पता तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा अच्छा मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोग 9th 10th हर जगह हम लोग सीखते ही हैं इन चीजों को। तो यहां पे बस इस चीजों का ध्यान रखना है कि सिलेबस में हमको किन किन चीजों को पढ़ना है और किन किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि आपको अभी गेट के लिए आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय, तो उन चीजों को ध्यान में रखिए कि गेट में क्या चीज का वेटेज है
और किस चीज का वेटेज नहीं है, तो उन चीजों को पहले ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप फार्मूला बुक उठाएं या प्रीवियस ईयर उठाएं और आप उनको पढ़ लें, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिजल्ट्स में बहुत सारा इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर सिर्फ एक तरह से लर्न कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको करना सीखना है, उनको हाउ टू टैकल इट, कि कैसे हम प्रॉब्लम को हाउ टू सॉल्व इट करें, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो गेट में ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे या किस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर हम इस मेजर पोर्शन पे ध्यान दे दें तो हमारा एटलीस्ट मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का रहेगा और एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का रहेगा, तो गेट स्कोर तो हमने पास ही कर लिया, 25 मार्क्स आ गए तो हमारे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और आपको जैनिक एजुकेशन पे आपको ये भी मिलने वाला है कि किसका क्या वेटेज है, किसका क्या वेटेज नहीं है, वो हम सब बताने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे कि बेसिक प्रोबेबिलिटी कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे नहीं करना है, थोड़ा बेसिक रूल देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल। आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैसे करने वाले हैं वो हमने बताया अभी आपको, और किस तरह से अभी मैं आपको समझाता हूं वो आप देखिए, इसको समझिए, इसके बाद आप जो पूछना चाहें आप वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी किस तरह से बेसिक सीखना है, क्या करना है, थोड़ा हम एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी है क्या बेसिकली, तो देखिए, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं पूरा, स्टडी ऑफ चांस। जहाँ पे हमें चांस दिखाई देता है या और अनसर्टेनिटी या और रैंडमनेस, राइट, क्लियर। ये जो तीनों चीजें एक तरह से सेम है, अगर हम कहें कि चांस या अनसर्टेनिटी या रैंडमनेस, राइट, तो ये ध्यान रखना है कि अगर इनकी स्टडी करना हो, क्योंकि नेचर में हमेशा दो तरह के इवेंट हमको दिखते हैं, एक इवेंट होता है डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा इवेंट होता है रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक इवेंट क्या है, ऐसा इवेंट कि किसी भी, अगर हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें रिजल्ट हर बार सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर सन राइस कहां से करेगा बताइए आप लोग, भाई इतना तो ईस्ट से करेगा, तो जब सन ईस्ट से राइस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसको कितने भी बार आप रिकॉर्ड कर लो, लाखों सालों तक ये नहीं बदलने वाला है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक प्रोसेस। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिस्टिक प्रोसेस, आई एम इंटरेस्टेड इन रैंडम प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस इज रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम प्रोसेस क्या है या रैंडम फेनोमिनन्स क्या है, तो नेचर में हमेशा सारी चीजें रैंडम हैं। नेचर में कई सारी चीजें, जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हम एक बेसिकली वेदर देखें तो वेदर भी बहुत अनसर्टेन होता है। जस्ट लाइक अगर आज कोल्ड है तो कल हॉट होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी ऑफ चांस करना पड़ेगा, क्योंकि चांस हम पूछ रहे हैं। क्या चांस है कि कल बारिश होगी कि नहीं, क्या चांस है कि कल स्नोफॉल होगा कि नहीं, क्या चांस है कि आज मुझे, अगर मैं यहाँ से अगर किसी फ्लाइट को लेता हूँ और अगर क्या चांस रहेगा कि वो एक्चुअल टाइम पे पहुँचेगी, क्या चांस रहेगा कि वो टाइम से आएगी या नहीं आएगी। द लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द नेचर, कि हम अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, कि वो सारी क्वेश्चंस जो है ना बेसिकली किस पे हमारे आके आते हैं, चांस पे। तो हम अगर चांस की स्टडी करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां ध्यान से समझिए, हमने बात की थी अभी रैंडम की, तो रैंडम क्या है देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, क्योंकि वहीं पे चांस आ रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि कल बारिश होगी या नहीं, तो ये तो चांस की बात हो गई ना, ये रैंडमनेस की बात हो गई, अनसर्टेनिटी की बात हो गई। अगर कल बारिश होगी तो बेसिकली ये स्टडी ऑफ चांस की बात है। तो हम चांस के लिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो वो तो तभी अप्लाई हो सकती है जब हमारे पास परफॉर्मेंस जो हम करें वो कैसा हो, रैंडम हो, राइट।
तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या ले लिया हमारे पास, पहला चीज एक्सपेरिमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की स्टडी। अब बात आती है यहां पे कि अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट रैंडम है तो हम कह सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट एक सिंपल सा मान लेते हैं, अभी यहां टॉसिंग अ कॉइन, राइट। अगर मैं टॉसिंग ए कॉइन के परफॉर्मेंस को करूंगा तो बेसिकली हमारे पास क्या आने वाला है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और कॉइन के चीज में भी हम समझ लेते हैं कॉइन बेसिकली कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। इन चीजों का भी मतलब समझ लेते हैं अगर हमने यहां डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर एंड अनफेयर। तो फेयर का मतलब क्या है कॉइन में, फेयर कॉइन इज मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम हेड और टेल, हेड एंड टेल, राइट। मतलब जो हमारे पास हेड और टेल आने, जो हेड और टेल है सरफेस पे कॉइन के, उनके सरफेस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम नहीं होगा तो वो कॉइन फेयर नहीं हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अनफेयर कॉइन होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल अनफेयर कॉइन, कि हम क्या करें कॉइन के हेड पे एक लेबोरेटरी में जाके बेल्डिंग के थ्रू उस पर अगर एक पॉइंट रख देते हैं तो सिक्के का वजन जो है बढ़ जाएगा और ड्यू टू ग्रेविटी जिस तरह वेट ज्यादा होगा वो सिक्का वहीं गिरेगा, तो वो सिक्का कैसा हो गया, अनफेयर हो गया। तो इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सेम या आर डिफरेंट, इज द सेम थिंकिंग, राइट। तो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो वो कॉइन अनफेयर है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो वो कॉइन फेयर है। इतना बात समझ में आ गया। यही चीज हम बताने वाले हैं आपको कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि फेयर कॉइन को ही लेना है, ना कि अनफेयर कॉइन को। अगर अनफेयर कॉइन हो गया तो रिजल्ट हमेशा हमें बार बार वही आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरफ वेट ज्यादा होगा हमेशा वही तरफ सिक्का गिरेगा। तो यहां पे अनफेयर कॉइन कैसा हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। तो जब बायस्ड हो गया तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी लगाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा, हमें तो हम इंटरेस्टेड हैं फेयर कॉइन में, क्योंकि ये कैसा है, अनबायस्ड है। और जब अनबायस्ड है तो इस कॉइन को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, उन चीजों को हम हैंडल करने वाले हैं, राइट। तो हमने क्या किया, टॉसिंग अ कॉइन, राइट। एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहला एस जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो क्या है, हेड और टेल, इज राइट। जो ये हेड और टेल आया है, कोई जरूरी नहीं है मेरे पास हेड पहले आया है तो मैंने हेड पहले लिख लिया या टेल पहले आया, इतना गारंटीड है ये दोनों ही टर्म आएंगे, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर वो बोल रहा है कि सैंपल, सॉरी, अगर ये आपके पास क्या है, या तो हेड है या टेल है, तो इसको मैंने सेट के फॉर्म में लिख लिया। ये जो हमारे पास ये टर्म आई है सेट, इसको नाम हमने दिया सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, राइट। और हमने इन पॉइंट को नाम दिया सैंपल पॉइंट्स, राइट। तो इनको भी लिख सकते हैं एच और टी, ये दोनों हमारे क्या हैं, सैंपल पॉइंट्स हैं, इस क्लियर। सैंपल पॉइंट्स मिल गए हमको, और हमको क्या मिल गया, सैंपल स्पेस भी मिल गया। दिस इज अ सेट, नॉट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, तो दिस इज अ सेट, क्लियर सी। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, टॉसिंग अ कॉइन किया, मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उसके मैंने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया,
उस ऑब्जर्वेशन को जो रिकॉर्ड किया उनका नाम मैंने दिया सैंपल स्पेस, और जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं उनका नाम दिया मैंने सैंपल पॉइंट्स, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है बेसिकली, या तो हेड अकर हो सकता है, हेड आने के चांसेस हो सकते हैं, या टेल आने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली इन सैंपल पॉइंट्स को हमने नाम दिया इवेंट्स, इज राइट। ये क्या है आपके पास, इवेंट, और इवेंट हमने कहां से बनाई है, इसी सेट से फॉर्म की है। तो ये क्या हो गया आपका, सब सेट। इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस जो है सेट है, और उसका सबसेट क्या हो गया, इवेंट्स हो गया, राइट। अगर मैं ए अब क्या करता हूं, तो यहां पे इवेंट क्या क्या हो सकती है देखते हैं। यहां इवेंट मैं नोटेशन करता हूं, इवेंट ए को मान लेता हूं हैड appears on the coin, right? And event B को मान लेता हूं tail appears on the coin, right? तो हमने दोनों event मान ली है इनको। अब हम देखते हैं कि यहां पे event A के पास कितने terms हैं, इवेंट बी के पास कितने टर्म्स हैं। तो देखते हैं यहां इवेंट ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज वन। इवेंट बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वन। अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो कितने हैं, एन ऑफ एस इज टोटल नंबर, तो टोटल नंबर वन प्लस वन इज टू, राइट। हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए, that's the meaning number of element is had is 1, number of element b is tail is also 1, that is a total number of space is 1 plus 1 is 2, is right। ab dekhte hain, ab hum baat karenge, ye to humne analysis kar liya कि हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए, हमको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए, और सैंपल स्पेस होना चाहिए, उसकी मैंने इवेंट भी बना दी। अभी तक प्रोबेबिलिटी की बात नहीं आई है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है तो देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आते हैं 10th में 12th में, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, द प्रोबेबिलिटी इज इवेंट जस्ट कॉल्ड अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में, जो सबसे ज्यादा बार आएगा चीज वही क्या हो जाती है, हमारी प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई, जस्ट लाइक अ लेमैन लैंग्वेज, राइट। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले हम, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब क्या है, हम इंफिनिटी टाइम तो ट्रायल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सफिशियंटली लार्ज जरूर ले सकते हैं, 1000 टाइम, राइट, क्लियर। और ट्रायल्स अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कभी प्रोबेबिलिटी, डोंट वरी। तो ट्रायल्स का मतलब क्या है, ट्रायल्स का मीनिंग इज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जब आप बार बार करते हैं एक्सपेरिमेंट को तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ ट्रायल कोर्ट, राइट। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी, राइट। अब हम क्या करना है यहां पे, अब हम प्रोबेबिलिटी लिखने वाले हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो क्या होगा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट, या नंबर ऑफ, ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम जो आपको चाहिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इज राइट। अब देखिए कैसे करेंगे यहां पे, तो हम चाहते क्या हैं कि बेसिकली अब प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं हेड की चाहता हूं तो क्या आएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी हैड इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल, दिस इज द माई फेवरेबल एंड दिस इज
टोटल तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2, देयर इज द 50% चांस ऑफ हेड अकर एंड 50% चांस ऑफ टेल अकर। लेकिन ये ऐसे नहीं आया है, एक बार में हमने तय नहीं कर लिया, क्या पता एक बार में करते हम टेल आया, 10 बार करते तो 10 बार भी टेल आता। लेकिन हम जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स लेंगे, ज्यादा बार करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कहां कन्वर्ज करेगी, 1/2 और 1/2 की तरफ, ठीक है, राइट। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी समझा, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या निकल के आया, बेसिक फंडामेंटल, दिस इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है, राइट। डिटेल्ड में आप जानना चाहेंगे तो फुल क्रैश कोर्स में इसको भी एनालिसिस करेंगे सारी चीजों को। तो पीई क्या है हमारा, एनी बाई एन एस, राइट। अब देखते हैं आगे, अगर मान लें हमारे पास टॉसिंग आ 2 क्वाइन है, राइट। अभी तो हमारे पास एक ही क्वाइन था, अब 2 क्वाइन आ गए, तब हम कैसी चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम सैंपल स्पेस क्या बनाएं। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम, देखो आपको बताते हैं, ट्री डायग्राम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, ट्री डायग्राम। या तो आप ये फॉलो करिए, ट्री डायग्राम ए, या दूसरा आप चाहें तो एक मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं 2x2 का, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 क्वाइन है, तो हम ये दोनों मेथड से हम बना सकते हैं सैंपल स्पेस। अगर हमें सैंपल स्पेस मिल गया तो फिर हम देखेंगे कि किस किस तरह की इवेंट बन रही है। अभी तो हमने एक ही क्वाइन में देखा है, वी हैव एनालिसिस इन 2 क्वाइंस, राइट। तो देखो यहां पे कैसे करेंगे 2 क्वाइंस के बीच में। तो देखो 2 क्वाइंस ऐसा नहीं है कि इसको 2 बार किया गया, 2 चीजें हैं, 1 सिक्के को 2 बार करना और 2 डिफरेंट सिक्कों को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना, राइट। तो हमने 2 क्वाइन लिए अलग अलग, तो हम क्या ले लेते हैं यहां पे, 1 रुपी 1 का क्वाइन मान लेते हैं और 1 रुपी 2 का क्वाइन मान लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, राइट। तो रुपी 1 के पास भी हेड होगा और रुपी 1 के पास टेल होगा, यहां पे भी हेड होगा और यहां पे भी टेल होगा, इस क्लियर। तो अब हम ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं यहां कैसे बनेगा, हेड टेल, हेड टेल, यहां क्या आ गया, हेड टेल, दिस इज एच एच, दिस इज एच टी, दिस इज टी एन टी टी। तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बने, देखिए अब यहां पे एस बराबर एच 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 टी एन टी एच एन टी टी, इज राइट। हमारे पास इतने सैंपल स्पेस आ गए। तो ये हमारा क्या था, ₹1 का क्वाइन था और ये हमारा क्वाइन था ₹2 का क्वाइन था, राइट, क्लियर। तो हमने ये ट्री डायग्राम के थ्रू हमने एनालिसिस करके बना लिया इसको। अब देखिए यहां पे किस किस तरह के क्वेश्चंस को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे अगर मान लीजिए गेट में अराउंड 20% क्वेश्चन इन बेस्ड ऑन क्वाइन एंड डाइस, राइट। तो बहुत सिंपल है, मेरे पहले लेक्चर में ही आप कर सकते हो जाके सारे क्वेश्चन, राइट। तो यहां देख सकते हो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहां देखिए 2 हेड का नंबर ऑफ फेवरेबल, इसको मार्क करते हैं, देखिए दिस इज अ कॉल्ड अ फेवरेबल, राइट, दिस इज अ फेवरेबल, क्लियर। अब हम क्या करें, फेवरेबल आ गया हमारे पास, तो कितना आया, 1/4, क्योंकि टोटल कितने हैं 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, तब भी क्या आ गया, 1/4, राइट। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, 2 हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर आपसे ये कोई पूछता है, अब देखिए यहां पे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, तब कैसे करेंगे, देखिए यहां पे कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एटलीस्ट 1 हेड की बात क्या है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर, अगर नहीं समझ में आता है तो चीजें, कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है, 1400cc का ब्रेन सबके पास है। तो एटलीस्ट बेसिकली क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब है, अगर मैं एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा हूं तो 1 हो सकता है आपका, 2 हेड हो सकता है, इसके अलावा और कोई हेड होगा, नहीं होगा, क्लियर है इतना बात। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे, या तो 1 हेड ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ले सकते हैं। तो यहां पर निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इज 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी इज 2 हेड,
प्रोबेबिलिटी इज टू हेड इज 1/4, राइट, दिस इज कॉल्ड अ 3/4, क्लियर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई एटलीस्ट वन हेड। अब यहां से एक हमको की पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ, देखो क्या इज अ वेरी इंटरेस्टिंग की पॉइंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जीरो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड बराबर किसके हैं, वन के हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम तो वन के ही बराबर दिख रहा है हमें, क्लियर है इतना बात, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम यहां वन के बराबर है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड बराबर किसके हो जाएगा, माइनस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, राइट, क्लियर। तो हम कैसे करें अभी यहां पे देखिए, वन माइनस जीरो हेड, जीरो हेड का मतलब एक भी हेड नहीं आया, दिस इज अ कॉल्ड अ 1/4, दिस इज कॉल्ड 3/4, द सेम आंसर, द सेम लॉजिक, डिफरेंट लॉजिक, लिटिल बिट डिफरेंट बट इज द सेम आंसर, राइट। तो यहां पे ये सेम आ गया। अब देखिए यहां पे क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा किसके बराबर होता है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन के बराबर होता है। तो हम यहां पे यहां से एक निष्कर्ष निकाला हमने, की पॉइंट, यहां ध्यान से समझिए, एक की पॉइंट निकल के हमारे सामने आ रहा है। वो की पॉइंट क्या है, मैंने यहां पे देखिए बल्ब बना दिया है जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में और अच्छे से आए। तो ये की पॉइंट हमारे पे क्या आ रहा है कि सिग्मा अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दें तो वो किसके बराबर आता है, वन के बराबर आता है, राइट, क्लियर। दूसरा एक की पॉइंट और नजर आया हमारे कि अगर जो इवेंट श्योर है, जो होना ही है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी। सी, दिस इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, क्लियर है। अब यहां ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट के बीच में। इन चीजों को मैं बस प्रूफ नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये एक्सियम्स हैं, इनके हिसाब से ही हम आगे प्रोबेबिलिटी के पूरे बिल्डअप को रख पाते हैं। हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि श्योर इवेंट ही हमेशा वन क्यों, इसका प्रूफ नहीं है, दिस इज कॉल्ड द एक्सियम्स। इन्हीं एक्सियम्स पे पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी टिकी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा और जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी, ये ध्यान रखना है कि जीरो इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट इज वन। तो अभी देखिए हमने कैसे सैंपल स्पेस बदल दिए और फिर मैंने इस तरह का आपको दिखाया कि इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और हमारे ये तीन की पॉइंट और नजर आ गए कि अगर हमारा इस तरह का होता है तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं, क्लियर। हमने ट्री डायग्राम जो बनाया, किससे बनाया, बेसिकली जो दो क्वाइंस के लिए हमने ट्री डायग्राम बनाया था, तो हमने देखा उससे कैसे प्रोबेबिलिटी। अब हम मैट्रिक्स मेथड और देखते हैं, जो मैंने बताया अभी आपको, बी मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम एक बार बस मेथड्स बता देते हैं आपको, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैट्रिक्स मेथड में हम इस तरह से 2x2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट, क्लियर। यहां देखिए हम यहां पर क्या करें, यहां देखिए ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, ये क्वाइन वन ले लिया और ये क्वाइन टू ले लिया, राइट। अगर क्वाइन वन जो है उसके पास हेड भी है और टेल भी है, राइट, क्लियर। तो यहां देखिए क्वाइन टू के पास भी हेड है और टेल है, तो हम चाहे तो मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एच एच इन दोनों के साथ, एच टी टी एच एंड टी टी, ये मेथड भी लगा सकते हैं दो इवेंट्स के लिए। तो S इक्वल एच 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 टी टी एच एंड टी टी, राइट। अगर कोई तुमसे कहता है क्वाइन किया है थ्रो और डाई किया, तो कैसे बनेगा, हेड टेल, यहां पे क्या बना देंगे हम इस तरह से 6 आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहां भी बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, राइट, क्लियर। तो इन चीजों का भी तुम लोगों को ध्यान रखना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, राइट। तो हमने मैट्रिक्स मेथड से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली थ्री क्वाइंस का क्या रिलेशन आने वाला है, तो थ्री क्वाइंस के बीच में और देखते हैं। अब हम लोग एक बार टॉसिंग अ थ्री क्वाइंस और देख लेते हैं, टॉसिंग अ थ्री क्वाइंस कि यहां पे क्या बेसिकली कंडीशंस और हमारी सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। दो में तो हम बना लेंगे, तीन में कैसे बनाएंगे देखते हैं यहां पर। तो तीन के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो मान लेते हैं रुपी वन का क्वाइन है, रुपी टू का क्वाइन है और रुपी फाइव का क्वाइन है, कि
3 रुपीज का कॉइन तो है नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो रुपी 1 है, रुपी 2 है एंड रुपी 5 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां देखो तो रुपी 1 के पास है हेड टेल, रुपी 2 के पास है हेड टेल, रुपी 5 के पास है हेड टेल, राइट। तो अब हम बनाते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं अब देखते हैं, यहां पे हेड टेल, हेड टेल ट्री डायग्राम फॉलो करेंगे, हमने बताया है, कोई भी कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, एवरी टाइम यूज इन ट्री डायग्राम, आपके पास भरपूर टाइम है, क्लियर। इसके अलावा यहां पे देखते हैं क्या होगा, एच टी ये थर्ड है, एच टी एच टी एच टी, राइट। तो यहां देखिए कैसे बनाने वाले हैं हम, पहला क्या आएगा एच एच एच, इस फर्स्ट पे एच आया होगा, दूसरे पे भी एच और तीसरे पे भी एच, तो दिस इज एच एच एच। अब क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं एच एच टी, दिस इज द एच एच टी, आगे बढ़ते हैं एच टी एच, एच टी एच, आगे बढ़ते हैं एच टी टी, एच टी टी, आगे बढ़ते हैं टी एच एच, इज अ टी एच एच, आगे बढ़ते हैं टी एच टी, टी एच टी, आगे बढ़ते हैं टी टी एच, टी टी एच, आगे करते हैं काउंट टी टी टी, आगे हमारे पास। तो बेसिकली हमने ये देखा कि हमारे पास 8 सैंपल पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पे, इज अ कॉल्ड अ सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स। सारे सैंपल पॉइंट्स निकल आए हमारे पास। अब देखिए यहां पे भी कैसे करना है हमको, अगर मैं बोलूं आपसे अराउंड 4 or 5 क्वेश्चन इन गेट प्रीवियस एग्जामिनेशन, कि हमारे पास इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं कि 3 हेड की क्या होगी, तो ऑब्वियसली हमारा फेवरेबल कौन सा है, फेवरेबल ये, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, एच 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 और एच एच टी, सिंपली यहां से देखिए क्या आ गया हमारे पास 1/8। अगर मैं पूछता हूं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देख लीजिए यहां 2 हेड कहां आ रहे हैं, 1, 2, 3, इसको काउंट ना करें क्योंकि ये 3 हेड की कंडीशन है, वरना 2 हेड इसमें ऑलरेडी ना मान लें आप लोग, राइट। तो यहां पे क्या करना है, 1, 2, 3, दिस इज द 3/8। अगर कोई पूछता है आपसे 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लगा सकते हो 1 हेड में क्या आ जाएगा, देख लीजिए 1 हेड भी आई थिंक 3/8, राइट, क्लियर। ये तीनों प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमने जैसे अभी 2 में देखा, अगर मैं ये पूछूं आपसे प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे जो इसी बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी अगर कोई एटलीस्ट 1 हेड पूछ रहा है, दैट्स अ मीनिंग, वो क्या चाहता है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैं यही फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार और रिकॉल। अगर एटलीस्ट पूछ रहा है तो कितना, 1 हेड पूछ रहा है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि अगर हम 3 बार अगर सिक्के को टॉस कर रहे हैं तो बेसिकली या तो 1 हेड आ सकता है या 2 हेड आ सकता है या 3 हेड, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन में ऑलरेडी दिखा रखा है आपको। तो एटलीस्ट की अगर कंडीशन होती है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एटलीस्ट देखो कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे 1 हेड, तो 1 हेड तो आ ही रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इज 3/8, 2 हेड इज 3/8 एंड 3 हेड इज 1/8, द आंसर इज 7/8। अब देखिए और क्या कर सकते थे हम, इसमें कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जैसा हमने बताया है, यहां देख सकते हैं यहां पे कि अगर हमारे पास ये इवेंट ई है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो हमें अगर ये निकालना है कि ये बाहर का रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस इवेंट का नाम है कॉम्प्लीमेंट इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट, क्लियर। तो इसका इवेंट का क्या होगा, हम क्या करें, ये टोटल रीजन की कीमत क्या है या टोटल रीजन का वेटेज क्या है, 1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस पी ऑफ ई, तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी अकर, तो हमारा क्या बना रूल, प्रोबेबिलिटी अकर
प्रोबेबिलिटी डज नॉट अकर बराबर किसके है, वन के, अभी मैंने बताया भी है आपको, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर डज नॉट अकर की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वो क्या आ जाएगी, वन माइनस पी आ जाएगी। तो अब यहाँ देखिए कि एटलीस्ट वन हेड की कंडीशन क्या ये भी हो सकती है कि टोटल कितने हेड हैं, पहले हम ये देखें इवेंट क्या क्या बन रही है, पहले ये देखते हैं। तो टोटल इवेंट्स का मैं कैटेगराइज करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इवेंट्स क्या क्या हैं, इवेंट्स क्या क्या बन रही हैं पहले वो तो देखें हम। तो इवेंट्स क्या क्या बन रही हैं, एक और देखते हैं कैसे, या तो जीरो हेड बनेगा या वन हेड बनेगा या टू हेड बनेगा या आपका थ्री हेड बनेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई भी इवेंट नहीं बन रही है। तो हम ये कर सकते हैं, हमने ये बताया है कि सारी इवेंट का सम किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो हम एक बार लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, ये किसके बराबर है, वन के। और अभी मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एटलीस्ट वन हेड तो ये था ना, इतना टर्म एटलीस्ट वन हेड है, तो एटलीस्ट वन हेड तो ये हो गया, ये क्या है आपका, ये एटलीस्ट वन हेड है। तो एटलीस्ट वन हेड क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं एटलीस्ट वन हेड इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड। तो जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी और देख लेते हैं, तो यहां से निकाल देते हैं हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, एक भी हेड नहीं आया, देख लीजिए एक भी हेड इसमें नहीं आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वन बाई एट, राइट, क्लियर। तो यहां पे लिख देते हैं हम वन बाई एट, दिस इज कॉल्ड अ सेवन बाई एट, इज द सेम आंसर, राइट। तो लॉजिक आप चाहो तो ये लगाइए, लॉजिक चाहे तो ये लगाइए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम टेक्निक्स देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए। कि प्रोबेबिलिटी का अभी बेसिक समझते हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, एक बिन है हमारे पास, एक बॉक्स, राइट। उसमें हमने क्या किया है कि थ्री मैंने ब्लैक बॉल ले ली है, राइट। अब मैं आपको काउंटिंग मेथड्स बता रहा हूं बेसिकली, कि आप लोग पीएनसी कम ही यूज करें अगर नहीं है पता, वरना मैं वीडियो अपलोड करूंगा पीएनसी का, तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पीएनसी का भी मैं एक वीडियो आपके लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स का एक अपलोड कर दूंगा, तो आप पीएनसी का उससे सहारा लेके आप चाहें तो कर सकते हैं, बट हम पीएनसी अवॉइड करेंगे अगर नहीं है पता आपको। तो काउंटिंग मेथड बेसिक देखेंगे, काउंटिंग मेथड हमारे पास दो ही हैं, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं यहां पे। तो हमने दो हमने ले ली ब्लू बॉल और फोर हम ले लेते हैं रेड बॉल, वन टू थ्री फोर, फोर इज रेड बॉल, राइट। देन आई क्वेश्चन इज दिस के प्रोबेबिलिटी टू रेड बॉल, तो यहां ध्यान दीजिए कैसे करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल। तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं ऐसे करूं 4c2 डिवाइड बाई 4 2 6 और 3 9 9 c2, इस तरह से ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमको अगर कॉम्बिनेशन का आइडिया नहीं है तो अभी हम थोड़ा लॉजिकली देख लेते हैं कि चीजें कैसे हो सकती हैं। तो यहां देखो, जिससे कि हम एग्जाम में जल्दी कर लें, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स के लिए है, इसलिए थोड़ा हम एडवांसमेंट में कैसे जल्दी कर सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो टू रेड बॉल निकालनी है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो पहली रेड बॉल निकालते हैं, राइट, वन एट अ टाइम मान लेते हैं इसको, वन एट अ टाइम, हमेशा ऐसे करना है आपको, राइट, एक एक करके निकालिए। तो वन निकालते हैं तो क्या हो गया, वन निकाली तो 4 बाई 6 9, राइट, तो हमारे पास क्या बन गया, 4 बाई 9 बन गया, राइट, क्लियर। आगे देखते हैं आगे क्या करना है, आगे जब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ ध्यान से, नेक्स्ट निकालेंगे तो 3 बाई 8, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि अगर केस में विदाउट रिप्लेसमेंट का ले रहा हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या ले रहा हूँ केस में, विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो क्या होगा, बॉलें ऑलरेडी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब बॉलें कम हो जाएंगी तो नेक्स्ट बॉल जब निकालेंगे तो इसके लिए फेवरेबल 3 होंगे और टोटल में कितने बचेंगे,
8 बचेंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं 3/8। अगर दो रेड बॉल हैं तो दोनों को साथ में काम करना है, दोनों को साथ का मतलब है बेसिकली टुगेदरनेस, राइट। तो टुगेदरनेस के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई का, यहां ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड अ टुगेदरनेस, राइट। दोनों को जब साथ में काम करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, राइट। अगर मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा कर दूं, क्वेश्चन कि वन रेड बॉल एंड वन ब्लू बॉल, तो कंफ्यूज मत हो ऐसे, अगर वो ऑर्डर स्पेसिफाइड करेगा दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पहली हमें रेड निकालनी है और दूसरी हमें ब्लू निकालनी है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहला रेड निकालते हैं, तो पहला रेड निकाला हमने, क्या आया पहला रेड का 4/9। अब हम निकालते हैं ब्लू, तो ब्लू के लिए कितनी है, दो बॉल, तो 2/8। ये भी दोनों को साथ में काम करना है, दिस इज कॉल्ड टुगेदरनेस, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल इस्तेमाल कर दिया, क्लियर है इतना बात, क्लियर है। जब जैसे अगर टुगेदरनेस को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं कहता हूं यहां पे m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और दोनों अगर साथ में करेंगे तभी तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है टोटल ऑर्डर, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाल पाएंगे, m क्रॉस n से। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, इतना ध्यान रखो। अब देखते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन मैं ऐसा कर दूं, अगर ये केस ले लेता हूं मैं विद रिप्लेसमेंट का, तब कैसे करेंगे, देखिए विद रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा, अगर मान लो मैं चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल, तो ऑब्वियसली कि बॉल को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वहां पे दोबारा जाके, तो बॉल को जब हम रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या बनेगा हमारा, 4/9, राइट। और नेक्स्ट बॉल का भी क्या होगा, 4/9, और हमको दोनों को साथ में काम करना है तो हमने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना है कहां मल्टीप्लाई करना है, तो साथ में काम करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, यहीं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, चाहे आप लोग तैयारी आईआईटी की कर रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 10 i है और हमारे पास 10 t है, और हमें मेकिंग एक वर्ल्ड का करना है, मेकिंग वर्ल्ड आईआईटी का ही कर लेते हैं, आईआईटी कि क्या चांसेस है कि आईआईटी आने कि हम अगर ड्रॉ करेंगे तो आईआईटी मिलेगा हमें, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम आई निकालते हैं, पहली आई, अगर हमारे क्वेश्चन में नोटिस नहीं किया है मैंने तो हमेशा केस मान के चलेंगे कि ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, किसका केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो मैं एक आई निकालता हूं, क्या बना, 10/20, दूसरा आई निकालूंगा तो ऑब्वियसली यहां पे 9 i बची होंगी और टोटल में से 19 हो गए होंगे, तो ये क्या बचा, 9/19, एंड थर्ड टी का क्या होगा, 10/18। अब आईआईटी जब तक साथ में नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि TII कर लो, तब तो हमारा शब्द ही नहीं बनेगा, हमें तो शब्द आईआईटी बनाना है, तो आईआईटी बनाने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को साथ में काम कराना पड़ेगा, जब साथ में काम कराना पड़ेगा तो तीनों क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहां पे क्या कर लिया, बेसिकली यहां पे भी हमने मल्टीप्लाई प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लिया, क्यों, क्योंकि यहां पे भी टुगेदरनेस है। इतना बात समझ में आया कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रही है, राइट, यहां ध्यान रखना है, और जब विद रिप्लेसमेंट है तो सैंपल स्पेस हमारे क्या रह रहे हैं, वही सेम रह रहे हैं। देखिए यहां पे अगर विदाउट है तो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड, राइट, और वो किस केस में है, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में है। इतना बात समझ में आया, अगर विद रिप्लेसमेंट का केस देखता हूं मैं तो हमें यह पता चलता है कि सैंपल स्पेस जो है रिड्यूस नहीं हो रहे हैं बच्चे, इज नॉट रिड्यूस्ड। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है काम, बिल्कुल सिंपलिसिटी से आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं बोलता हूं पहले दो रेड निकालो, फिर एक ब्लू निकालो, फिर एक ब्लैक निकालो, तो बस आप करते जाइए 4/9, 3/8, आगे सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, क्लियर है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, अभी तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई कैसे किया, अब आखिर ऐड कहाँ करना है, तो देखते हैं। एक बिन हम ले लेते हैं ये बॉक्स वन, और यहाँ ले लेते हैं बॉक्स टू, राइट, क्लियर। तो बॉक्स वन है और बॉक्स टू है, तो अब हमने क्या किया,
यहां पे ले लिया हमने क्या, 3 रेड बॉल, और यहां मैंने क्या ले लिया, 4 ब्लू बॉल, और यहां मैंने क्या ले लिया, 2 ग्रीन बॉल, यहां पे मैंने 3 ग्रीन बॉल ले ली, यहां पे 2 ब्लू, 2 मैंने रेड बॉल ले ली, और 5 मैंने ब्लू बॉल ले ली। अगर अब मैं ये क्वेश्चन करता हूं आपसे कि एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लू बॉल, राइट। तो अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि ये बॉक्स अलग है और ये बॉक्स अलग है, इस बॉक्स का कोई किसी से मतलब नहीं है, ये बॉक्स इंडिविजुअल अलग काम करेगा, ये बॉक्स इंडिविजुअल अलग काम करेगा। तो इसका मतलब जब इंडिविजुअल वर्क हो रहा है, कैसा वर्क है, इंडिविजुअल वर्क, एम अलग इंडिविजुअल वर्क है, तो हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे एडिशन प्रिंसिपल का, बस इतना ध्यान रखना है, एडिशन प्रिंसिपल, क्लियर है। तो एडिशन प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, देखिए अब ब्लू बॉल निकालना है, यहां से एक ब्लू निकाल लो, यहां से निकाल दो और सबको क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो, तो आइदर यहां से ब्लू बॉल हो सकती है, तो कितने बने, 5 2 7 4 2 6 6 3 9, तो 4 बाई 9, एंड द नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 3 3 5 8 2 10, तो 5 बाई 10, राइट, क्लियर। तो हमारे पास ये आ गई, हमारी क्या हो गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो कभी भी ध्यान रखना है, अगर वो इस तरह से बॉक्सेस को अलग कर देता है तो किसी का किसी बॉक्स से कोई मतलब जब नहीं रहेगा, तो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं तो एडिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, अगर हम टुगेदर में काम कर रहे हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई प्रिंसिपल काम करेंगे। तो हम एक यहाँ पे की पॉइंट बना देते हैं आपके लिए, अगर इंडिविजुअल वर्क है, ये अगर याद रखेंगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है प्रॉबिलिटी में, तो हम हमेशा एडिशन इस्तेमाल करते हैं, राइट। और अगर हम टुगेदर वर्क करते हैं जब साथ में, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल आप मैट्रिक्स में भी देख सकते हो, अगर एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं और एम और एन को दोनों को साथ में काम करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एम क्रॉस एन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इतना बेसिक प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में आप जाने, इतना समझ में आया, अब आप नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बेसिक फंडामेंटल हम इसी का इस्तेमाल करके, बेसिकली पी इक्वल एनी बाई एन एस का हम इस्तेमाल करके कैसे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और गेट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।